नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अमोल दीपक केड़कर है। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, सेक्सोलॉजिस्ट हूँ, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ और अकोला महाराष्ट्र इंडिया में एज अ साइकियाट्रिस्ट प्रैक्टिस करता हूँ। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो है डेल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी, मतलब शक की बीमारी, अपने हस्बैंड, अपने गर्लफ्रेंड या अपने स्पाउस के प्रति होने वाली शक की बीमारी, ये मेरा आज का टॉपिक है। हाल ही में जो ये जो बीमारी है बहुत ही बढ़ रही है और इसका इग्नोरेंस लोगों में है। लोगों को ये समझ में नहीं आता कि हमारा स्पाउस, हमारा पार्टनर हम पे शक क्यों कर रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमें ये समझना जरूरी है कि ये एक प्रकार की मानसिक बीमारी है जिसको हम हमारे भाषा में डेल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी बोलते हैं या आपकी भाषा में उसको बोलते हैं शक की बीमारी। क्या होता है? पहले पहले तो वो नॉर्मल होता है व्यक्ति। अच्छा, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये बीमारी यूजुअली मेल्स में, हस्बैंड में, मेल पार्टनर में दिखाई पड़ती है। जो मैं बता रहा था कि पहले पहले तो ये जो व्यक्ति है, जो मेल पार्टनर है, ये बहुत ही नॉर्मल रहता है, अच्छे से बात करता है, सबसे अच्छे से डील करता है, काम पे जाता है, लोगों से अच्छे से बर्ताव करता है, टीवी देखता है, न्यूज़पेपर पढ़ता है। लेकिन जब जब बात उस पे, उसके वाइफ पे आती है तब वो उस पे, वाइफ पे शक पकड़ना चालू कर देता है। वो हर चीज में उसको लगता है कि उसके वाइफ का कहीं ना कहीं अफेयर है, उसके वाइफ का कोई ना कोई बॉयफ्रेंड है, वो हमको चीट कर रही है, वो किसी को मिस कॉल दे रही है, वो मेरे एब्सेंस में किसी से बात कर रही है। ऐसे वो पेशेंट को, ऐसे वो मेल पार्टनर को लगने लगता है। उसको लगने लगता है कि जरूर कुछ ना कुछ दाल में काला है, ये जो मेरी वाइफ है कहीं ना कहीं जा रही है, इसका अनैतिक संबंध है। ऐसे अलग अलग प्रकार के विचार वो व्यक्ति को आने लगते हैं और वो हर चीज को उसके हिसाब से कोऑर्डिनेट करने लगता है। शुरू शुरू में तो ये मजाक लगती है, लेकिन धीरे धीरे जब ये बीमारी बढ़ने लगती है तो उसका प्रॉब्लम उसके वाइफ को या फीमेल पार्टनर को होने लगता है। उसका इंपैक्ट ये है कि पूरी जो फैमिलियर लाइफ है वो कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाती है। पहले पहले शुरू में मेल पार्टनर को खाली ऑब्सेसिव थॉट्स आते हैं, बार बार थॉट्स आते हैं कि मेरे वाइफ का कुछ अफेयर है। लेकिन धीरे धीरे ये जो आइडिया है ये दिमाग में घर करने लगती है और उसको कंफर्म लगने लगता है कि मेरे वाइफ का डेफिनेटली कुछ ना कुछ अफेयर है। जितना वो वाइफ नहीं 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 बोलती है, उतना ही वो मेल पार्टनर का जो विश्वास है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। प्रॉब्लम कब होता है? जब वो मेल पार्टनर उस पर एक्शन लेने लगता है, मतलब उदाहरणार्थ अपने वाइफ को मारना, वाइफ की करंट कंटिन्यूस कंप्लेन करना, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स डेवलप होना, कि सबको पुलिस में आके कंप्लेन करना, या कोई स्पाय लगाना, मोबाइल चेक करना, ऐसे अलग अलग प्रकार के कंप्लेंट्स हमको सुनाई पड़ते हैं। इसका इंपैक्ट, जैसे मैंने बताया, वाइफ के ऊपर भी और हस्बैंड के ऊपर भी फैमिलियर लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, एंग्जाइटी आने लगती है, डिप्रेशन आने लगता है, कंफ्यूजन तैयार होता है। फीमेल पार्टनर को लगता है कि ये मेरा हस्बैंड जो है या मेल पार्टनर जो है मुझे प्यार नहीं करता। ऐसे अलग अलग प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होने लगते हैं। अच्छा, ये मेल पार्टनर में तो डेफिनेटली होता ही है, लेकिन फीमेल पार्टनर में भी ये बीमारी होती है, लेकिन इसका प्रमाण थोड़ा कम है। मैक्सिमम हमको ये मेल पार्टनर्स में या बॉयफ्रेंड में या हस्बैंड में ही दिखाई पड़ते हैं। इसका प्रमाण तब बढ़ जाता है जब कोई व्यक्ति अल्कोहल लेता है या कोई सब्सटेंस लेता है, तब इसका प्रमाण बढ़ जाता है। यूजुअली डेल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी ये अल्कोहल पेशेंट्स में हमको बहुत ज्यादा प्रमाण में दिखाई पड़ता है। क्या ये बीमारी का ट्रीटमेंट है? हाँ, डेफिनेटली ये बीमारी का ट्रीटमेंट है। अगर आप साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करते हैं और बताते हैं कि मेरे हस्बैंड को शक की बीमारी हो गई है और इसका ट्रीटमेंट करिए, तो हमारे पास ऐसे बहुत सारी ट्रीटमेंट है जिसको देकर हम पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। हम ये जो दवाइयां है ये सरप्टिशियसली, मतलब खाने में डाल के भी दे सकते हैं, या हम पेशेंट को कन्विंस करके उसको दे सकते हैं ताकि वो दवाई ले और पेशेंट इससे ठीक हो। कभी कभी अगर दवाई से आराम नहीं पड़ा तो हम इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी भी पेशेंट को दे सकते हैं। ऐसा धीरे 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 करके 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद ये पेशेंट पूरी तरह ठीक हो सकता है। साथ में ही अगर हम दोनों को, मतलब हस्बैंड वाइफ को या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को साथ में बिठाते हैं और उनकी काउंसिलिंग करते हैं और उन्हें समझाते हैं कि ये एक प्रकार की बीमारी है और ये बीमारी से दूर नहीं भागना है,
ये कठिन समय में साथ में वक्त निभाना बहुत जरूरी है। जब हम ये पेशेंट को और उनके स्पाउस को बताते हैं और काउंसलिंग करते हैं तो ये बीमारी धीरे धीरे चली जाती है। इसलिए ये जो शक की बीमारी है, डिल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी की बीमारी है, इसकी ट्रीटमेंट लेना बहुत ही जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में इसका अवेयरनेस नहीं है। ये किसी भी वाइफ को या फीमेल पार्टनर को पता ही नहीं है कि ऐसी बीमारी भी होती है। उनको लगता है कि पेशेंट का जो रवैया है वो बदल रहा है, वो हमें प्यार नहीं करता, वो उनको लगता है कि ये मेल पार्टनर का किसी के साथ अफेयर है। ऐसे अलग अलग प्रकार की कल्पनाएं आने लगती है। जो जो फीमेल पार्टनर हमारे पास आती है वो यूजुअली कंप्लेन करती है कि हमको एंजाइटी हो रही है, हमको डिप्रेशन हो रहा है, हमको सुसाइडल आइडियाज आ रहे हैं। ऐसी कंप्लेंट फीमेल पार्टनर करती है। तो इसलिए आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें। जो आपको दिख रहे हैं कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनको ये बीमारी है, डिलीजन ऑफ इनफर्टिलिटी या शक की बीमारी है, आप उनको या उनके रिलेटिव को जरूर भेजिए साइकेट्रिस्ट के पास और उनके ट्रीटमेंट लीजिए, तो आपको डेफिनेटली 101% इसका फायदा मिलेगा। तो ये पूरा जो वीडियो था, ये था डिलीजन ऑफ इनफर्टिलिटी के बारे में। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो ये वीडियो को जरूर शेयर करिए, ये वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं जल्द ही आगे के वीडियोज लेके आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।